मॉर्निंग बच्चों, समर वेकेशन से पहले हम लोगों ने इंग्लिश ग्रामर के अंदर लेसन वन कंप्लीट किया था। आज हम लोग लेसन टू स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कॉमन नाउन। पेज नंबर 6 आप ओपन कर लेंगे, ठीक है। चलिए पेंसिल ले लीजिए, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको आप साथ साथ पढ़ेंगे। नेमिंग वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड नाउन्स। जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं उनको नाउन्स कहते हैं, ठीक है। नेमिंग वर्ड जैसे कोई भी नाम, दिल्ली, कैलकटा, केक, बेकरी, एनिमल, एलिफेंट, ये सब नाउन्स हैं। नेम्स ऑफ पर्सन्स, पर्सन्स के नाम, पर्सन मतलब व्यक्तियों के नाम, प्लेसेस जगह के नाम, एनिमल्स जानवरों के नाम या वस्तुओं के नाम, थिंग्स, आर ऑल नाउन, सभी नाउन हैं। नाउन्स कैन बी जनरल नेम्स ऑफ थिंग्स। नाउन जनरल नाम भी हो सकते हैं। सच जनरल नेम्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन्स। ये जो जनरल नाम है ये क्या कहलाते हैं, कॉमन नाउन कहलाते हैं। जैसे स्कूल, बॉय, एनिमल, टाइगर, काउ, ब्रदर, ये जनरल नाम है। जनरल जैसे स्कूल तो कोई भी हो सकता है, बॉय कोई भी, राम भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, कोई भी होता है जनरली। एनिमल कुछ भी हो सकता है, एलिफेंट, टाइगर, लॉयन, है ना। टाइगर कोई भी टाइगर हो सकता है, जैसे बंगाल टाइगर ले लीजिए, वाइट टाइगर ले लीजिए, कोई भी हो सकता है। काऊ कुछ भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है ना। जैसे होती हैं कई तरह की काऊ होती हैं। और ब्रदर, आपके कोई भाई हैं तो बोलते हैं ना, ये मेरे बड़े भाई हैं, ये मेरा छोटा भाई है। तो ब्रदर तो कोई भी हो सकता है, भाई बोला तो बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है ना। तो ये सब कॉमन नाउन्स हैं। अब देखो यहाँ पर एक्सरसाइज में ये दिया हुआ है, ये दी हुई है कार, तो यहाँ लिखेंगे कार, सी ए आर, कार। ये हैट है तो यहाँ पर लिखा एच ए टी, हैट। अगर मान लीजिए लिखने में देर और दिक्कत हो रही है, धीरे धीरे लिख रहे हैं, तो आप वीडियो पॉज करके देख करके लिख सकते हैं। ये बुक, बी डबल ओ के, बुक। ये पेंसिल, पी ई एन सी आई एल, पेंसिल। ये हॉर्स, एच ओ आर एस ई, हॉर्स। ये टेलीफोन, टी ई एल ई पी एच ओ एन ई, टेलीफोन। और ये क्या है, बस है, बी यू एस, बस। देखो और व्हाट कैन बी कॉमन नाउन्स, क्या हो सकते हैं। देखो नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी, बॉडी पार्ट्स बोला तो ये हमने बोला, लेकिन इसमें कुछ भी हो सकता है, नोज, थ्रोट, टीथ। नेम्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स, पोटैटो, एप्पल, बनाना, रोज। नेम ऑफ टाइप्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, कैट, एलिफेंट, पैरट, वॉर्म, है ना, ठीक है। अब देखो नीचे क्या दिया, अब देखो यहाँ देखो, अलका एंड आनंद वेंट टू जू सर्किल इन द वर्ल्ड ग्रेड बिलो द नेम्स ऑफ द एनिमल्स दे सॉ एट द जू। अब देखो वो अलका और आनंद दोनों गए जू में, उन्होंने कुछ मतलब कि देखे एनिमल्स, उनके नाम हमें सर्किल करने। देखो ये पहले वाले में पीकॉक है, पी ई ए सी ओ सी के, पिकॉक। देखो मैंने ये जोड़ा मिलाया, ठीक। अब देखो ये बियर है, बी ई ए आर, बियर। देखो ये मैंने इसको सर्कल कर दिया, आप भी करो, ठीक। अब देखो नीचे कैमल, सी ए एम ई एल, कैमल। फिर देखो नीचे टाइगर, टी आई जी ई आर, टाइगर। फिर देखो स्नेक, एस एन ए के ई, स्नेक। क्रेन, सी आर ए एन ई, क्रेन। फिर देखो नीचे जिराफ, जी आई आर ए एफ एफ ई, जिराफ, है ना। अब देखो यहाँ इधर पे देखो फॉक्स, एफ ओ एक्स, फॉक्स। ये देखो ये एलिफेंट, ई एल ई पी एच ए एन टी, एलिफेंट। ये लॉयन, एल आई ओ एन, यहाँ पर मैंने इस यहाँ तक होगा, है ना, लॉयन यहाँ तक, ठीक। इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ गलती से यहाँ तक आ गया, ठीक हो गया। अब देखो डियर, डी ई ई आर, डियर हुआ। अब देखो यहाँ पर एक और है, ईगल, ई ए जी एल ई, ईगल, है ना। नोट किया आप लोगों ने इसको, ठीक।
अब देखो यहाँ देखो, ये क्वेश्चन नंबर टू में जो ऑड होगा उस पर हमें सर्किल करना है, मैच नहीं करेगा ग्रुप में। अब देखो, पार्क है, स्कूल है, गार्डन है और किटन है। पार्क भी जगह का नाम है, स्कूल भी जगह का नाम है, गार्डन भी जगह। किटन तो एनिमल होता है ना, कैट के बच्चे को किटन बोलते हैं ना। देखो ये हो गया। अब देखो, शूज़ है, सॉक्स है, हैन है और सैंडल्स है। देखो शूज़, सॉक्स, हैन और सैंडल। शूज़ भी पहनते हैं, सॉक्स भी पहनते हैं, सैंडल्स भी पहनते हैं, लेकिन हैन तो एनिमल है। स्पैरो बर्ड है, क्रो बर्ड है, ईगल भी बर्ड है, लेकिन एट तो इंसेक्ट है ना। माउस, हाउस, कैमल, शीप। तो माउस, कैमल और शीप तो एनिमल है, हाउस थोड़ी ना है वो है। वेजिटेबल, फ्रूट्स और स्नैक्स, ये सब तो खाने की चीज़ें हैं, लेकिन फ्रेंड्स को खा सकते हैं क्या? नहीं ना, तो इसको सर्कल कर दिया। ठीक है, ये हो गया आपका। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है, राइट द नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ बॉडी। अब अपने से जो भर सकते हैं भरिएगा, ठीक। यहाँ पर बाकी अगर जो बचेगा वो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय।